पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि उन्हें भारत सरकार से कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है और मौजूदा मोदी सरकार 265 फर्जी फेक न्यूज वेबसाइट बनाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। दरअसल यूरोपियन यूनियन की एक फैक्ट चेक एनजीओ डिस इन्फो लैब ने दावा किया है कि एक भारतीय नेटवर्क तकरीबन 65 देशों में 265 से ज्यादा फर्जी फेक न्यूज आउटलेट बनाकर मोदी सरकार की छवि को इंटरनेशनल मार्केट में सुधारने और पाकिस्तान की छवि को बिगाड़ने का काम कर रही है। और ये सब भी फेक इंडियन मीडिया हाउसेज आउटलेट्स के तार उसी श्रीवास्तव ग्रुप के साथ जुड़े हैं जिसने इसी साल अक्टूबर में 23 यूरोपियन यूनियन सांसदों के कश्मीर दौरे का खर्चा उठाया था और इन सभी यूरोपियन यूनियन के सांसदों का मोदी जी के साथ मुलाकात का इंतजाम भी करवाया था। ये सभी फर्जी इंडियन न्यूज वेबसाइट का काम है मौजूदा मोदी सरकार के फेवर में खबरें चलाना, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के साथ जुड़ी खबरों को अपलोड करके पाकिस्तान को बदनाम करना, कश्मीर से धारा 370 के हटने और कश्मीर में चल रहे लॉकडाउन को सही ठहराना, यानी मोदी सरकार द्वारा देश में लिए गए उल्टे सीधे फैसलों को सही ठहराना, जैसे कश्मीरियों को उनके ही घर में कैद करके रखना, एनआरसी के मामले में मुसलमानों को टारगेट करना और रफेल, जी हां वही लड़ाकू विमान जिसे 540 करोड़ के बजाय 1650 करोड़ में खरीदा गया और जिसका ठेका साहिब के ऐसे दोस्त को दिया गया जिसने खुद को अदालत में दिवालिया घोषित करने की एप्लीकेशन दे रखी है। और देश का सुप्रीम कोर्ट रफेल से जुड़ी याचिका को यह कहकर खारिज कर रहा है कि इस याचिका की कोई मेरिट नहीं है, यानी देश की सारी संस्थाएं, सारे इंस्टीट्यूशंस और ज्यादातर सारे मीडिया हाउसेस को अपनी मुट्ठी में करने वाली ये मोदी सरकार अपने देश में लिए गए उल्टे सीधे फैसलों को सही साबित करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपनी छवि को सुधारने के लिए तकरीबन 65 देशों में 265 से ज्यादा फर्जी फेक न्यूज वेबसाइट को इस्तेमाल करने का तमाशा कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तकरीबन 65 देशों में 265 से ज्यादा फर्जी फेक न्यूज वेबसाइट किस तरह से मोदी सरकार का प्रोपोगंडा कर रही है और किस तरह से ये फर्जी फेक न्यूज वेबसाइट के तार मोदी सरकार से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी जो कि काफी अहम है कि 2000 रुपए के घाटे में चल रही और सिर्फ 10,000 रुपए के बैंक बैलेंस वाली श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसने अक्टूबर में 23 यूरोपियन यूनियन सांसदों के कश्मीर दौरे का खर्चा उठाया था और इन यूरोपियन सांसदों के मोदी सरकार के साथ मोदी जी के साथ मुलाकात करवाई थी, उसके तार किस तरह से ये फेक न्यूज वेबसाइट के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि उनको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, हमारा काम पसंद आता है, तो patreon.com डॉक्टर अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यूरोपियन यूनियन की एक फैक्ट चेक एनजीओ डिस इन्फो लैब ने अक्टूबर के महीने में खुलासा किया था और उसने इस खुलासे में बताया कि बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में एक स्वघोषित संसद मैगजीन यानी सेल्फ प्रोक्लेम संसद मैगजीन ईपी टुडे की वेबसाइट eptoday.com डायरेक्टली यानी सीधे रूस टुडे और वॉइस ऑफ अमेरिका से बहुत ज्यादा खबरें लेकर दोबारा छाप रहा है और इन सारे आर्टिकल्स का जो कंटेंट है वो मौजूदा मोदी सरकार से रिलेटेड मैटर्स के प्रो में है और एंटी पाकिस्तान है। डिस इन्फो लैब के हिसाब से जब उसने इस जांच को आगे बढ़ाया तो उसने पाया कि ईपी टुडे के तार कुछ ऐसे बिजनेस कंपनीज, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस और कुछ ऐसे एनजीओ से जुड़े हैं जो मोदी सरकार के फायदे के लिए काम करते हैं। दोस्तों मैं यहां पर थोड़ा रुकूंगी और आपको पीछे की खबरों से रिफ्रेश कराऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके कि किस तरह 65 देशों में 265 से ज्यादा फर्जी फेक मीडिया हाउसेस कश्मीर में जो लॉकडाउन हुआ है उसको कश्मीरियों के लिए फायदेमंद बताकर
पाकिस्तान में माइनॉरिटीज और वहां की महिलाओं से जुड़ी खबरों को अपलोड करके मोदी सरकार को किस तरह उसके एजेंडे में मदद करी जा रही है। तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूं। आपको याद होगा कि किस तरह अक्टूबर के महीने में तकरीबन 27 यूरोपियन यूनियन सांसद यानी एमईपीस को कश्मीर दौरे पर बुलाया गया था कश्मीर के हालात देखने के लिए। हालांकि इन 27 यूरोपियन यूनियन सांसदों में से सिर्फ 22 यूरोपियन यूनियन सांसद ही कश्मीर गए थे। और सबसे अहम बात यह है कि इन यूरोपियन यूनियन सांसदों को इनविटेशन मोदी सरकार की तरफ से नहीं गया था, बल्कि इनको इनविटेशन गया था एक इंस्टीट्यूशन वेस्ट की तरफ से, वेस्ट यानी वुमेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक। और उससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि ये जो इंस्टीट्यूशन वेस्ट है ये बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में स्थित है। इसी इंस्टीट्यूशन वेस्ट ने 7 अक्टूबर 2019 को ये सारे यूरोपियन एमईपीज को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो ये सारे एमईपीज की एक वीआईपी मीटिंग भारत के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी नरेंद्र मोदी के साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन एमईपीज को लिखे गए खत पर मादी शर्मा नाम की एक महिला के सिग्नेचर थे। वेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक मादी शर्मा इस इंस्टीट्यूशन की संस्थापक और कार्यकारिणी अधिकारी हैं। इस खत में यह भी लिखा था कि ये सारे 27 यूरोपियन एमईपीज का भारत आने जाने का खर्चा, वहां ठहरने का इंतजाम और वहां का खर्चा, और वहां से कश्मीर ले जाने का पूरा इंतजाम IIINS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन अलाइंड स्टडीज करेगा। तो जरा सोचिए दोस्तों, इन 27 यूरोपियन एमईपीज को भारत बुलाना, उनके ठहरने का इंतजाम कराना, उनके कश्मीर दौरे का इंतजाम कराना और ये सारे इंतजाम के साथ साथ ये सारी चीजों का खर्चा उठाना, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। ये कोई मामूली एनजीओ के बस की बात तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है IIINS को एक जानी मानी संस्था होनी चाहिए। लेकिन पता है आपको दोस्तों कि ये IIINS के लोगों से मिलना तो दूर, कोई अभी तक इनके साथ कांटेक्ट तक नहीं कर पाया है। और इस IIINS की वेबसाइट पर ना ही कोई MEPs के कश्मीर दौरे के बारे में जिक्र किया गया है और ना ही मादी शर्मा और उनकी एनजीओ वेस्ट के बारे में जिसने ये सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। इस IIINS की वेबसाइट पर यह भी नहीं बताया गया है कि वेस्ट और IIINS किस तरह आपस में जुड़े हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको दो संस्थाओं के नाम बताया है। एक है वेस्ट यानी वुमेन इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक और दूसरी है IIINS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन अलाइंड स्टडीज। इन दोनों के नाम याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह 65 देशों में जो 265 से ज्यादा फर्जी फेक मीडिया हाउसेस जो मोदी सरकार की भक्ति में लगे हुए हैं, उनका ये दोनों संस्थानों के साथ क्या ताल्लुक है। यूरोपियन यूनियन डिसइन्फो लैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ईपी टुडे जो मोदी सरकार की चापलूसी में अपने कंटेंट्स अपलोड करता है, उसके तार IIINS वेस्ट और श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज के एक बड़े नेटवर्क के साथ जुड़े हैं। और श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज का आईपी एड्रेस और IIINS का आईपी एड्रेस एक ही है। ईपी टुडे जो कि मोदी सरकार की चापलूसी में कंटेंट्स अपलोड करता है, उसका ऑफिशियल एड्रेस जो है वो है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स का। और श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो हेडक्वार्टर का एड्रेस है वो है दिल्ली का और उसका एक ऑफिस बेल्जियम में है, एक ऑफिस कनाडा में है और एक ऑफिस स्विट्जरलैंड में है। और ले देकर बात यह है कि श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो बेल्जियम के ब्राजील्स का जो एड्रेस है और जो ईपी टुडे का जो ब्राजील्स का एड्रेस है, वो दोनों का एक एड्रेस है। यानी जब ईपी टुडे का बेल्जियम का ऑफिशियल एड्रेस और श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो ऑफिशियल एड्रेस है बेल्जियम का, वो सेम है। तो ले देकर बात ये है कि या तो ये दोनों एक ही ऑफिस में बैठते हैं या ये दोनों एक ही इंसान है। डिसइन्फो लैब का कहना है कि ईपी टुडे की आईपी हिस्ट्री को सर्च करने के बाद पता चलता है कि इसे उसी सर्वर पर होस्ट किया गया था जिस सर्वर पर श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज को होस्ट किया गया था। यानी दोनों वेबसाइट को एक ही सर्वर पर होस्ट किया गया था।
अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस कहानी का दूसरा रुख दिखाने के लिए मैं आपको जेनीवा ले चलती हूं। डिस इन्फोलैब के हिसाब से उसने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी के मुख्यालय जेनीवा में एक टाइम्स ऑफ जेनीवा .com नाम का ऑनलाइन न्यूज़पेपर पाया है, जो कि ईपी टुडे के तरह ही कंटेंट्स अपलोड करता है, यानी प्रो मोदी और एंटी पाकिस्तान। इस टाइम्स ऑफ जेनीवा .com की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि वो 35 साल से इस बिजनेस में हैं। इसकी वेबसाइट पर कुछ ऐसे वीडियोस अपलोडेड हैं जो या तो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हैं या फिर गिलगित बाल्टिस्तान पर फोकस हैं। टाइम्स ऑफ जेनीवा .com में पाकिस्तान के प्रदर्शन पर भी काफी कवरेज की गई है। डिस इन्फोलैब ने यह भी बताया है कि टाइम्स ऑफ जेनीवा .com के वेबसाइट के सर्वर पर एक और एनजीओ जिसका नाम है पाकिस्तानी वुमेन .org की वेबसाइट भी चल रही है। डिस इन्फोलैब की यह पड़ताल जेनीवा टाइम्स .com से होते हुए, पाकिस्तानी वुमेन .org से होते हुए, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के ट्विटर हैंडल तक पहुंची है। और सबसे अहम बात ये जान लीजिए कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के दफ्तर का पता, ईपी टुडे के दफ्तर का पता और श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो बेल्जियम के दफ्तर का पता है, वो सबका पता एक है। और डिस इन्फोलैब ने इसी तरह के 265 से भी ज्यादा फर्जी फेक न्यूज मीडिया हाउसेस को 65 देशों में स्पॉट किया है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये सारी फर्जी फेक न्यूज मीडिया वेबसाइट्स को चलाने के पीछे क्या मकसद है। ये सारी फेक न्यूज मीडिया वेबसाइट्स इंटरनेशनल संस्थाओं को प्रभावित करने का काम करती हैं, और इसको इस तरह से अपलोड किया जाता है कि पढ़ने वाला इन खबरों के बीच में हुई फेरबदल को समझ नहीं पाता है। ये सारी फेक न्यूज मीडिया वेबसाइट का काम मोदी सरकार के इंटरनेशनल सपोर्ट को बढ़ाना है। तो अब श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने ये 23 MEPs के भारत दौरे का खर्चा उठाया था। तो श्रीवास्तव ग्रुप की कई सारी कंपनीज है, लेकिन ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के मुताबिक श्रीवास्तव ग्रुप की कई सारी कंपनीज काम नहीं कर रही हैं। इस ग्रुप की 7 कंपनीज चल रही हैं और इसमें से ज्यादातर कंपनीज के पास पैसे भी नहीं है, और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो अंकित श्रीवास्तव और नेहा श्रीवास्तव के नाम कॉमन है। श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक कंपनी A2N ब्रॉडकास्टिंग ने पिछले साल 2000 रुपए का घाटा दिखाया था। इस कंपनी की कोई कमाई नहीं है। इसके पास कुल 10,000 रुपए का बैलेंस सिटी बैंक और 10,000 रुपए का बैलेंस ओरिएंटल बैंक में है। यानी इन 7 कंपनीज के पास मुनाफे का कोई कारोबार नहीं है। अब आप खुद समझ लीजिए कि किस तरह ये श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसके बैंक में सिर्फ 10,000 रुपए हैं, वो किस तरह ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट यानी यूरोपियन यूनियन के सांसद MEPs को भारत दौरे का खर्चा उठाती है, उनकी मुलाकात मोदी जी के साथ कराती है, और किस तरह ये मोदी सरकार के प्रोपेगंडे को अंजाम देती है। तो अब तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि मोदी सरकार के प्रोपोगंडे को हवा देने का तमाशा किस तरह चल रहा है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो patreon.com डॉक्टर अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।